देखेंगे यहाँ परिभाषा लिखा गया है। तो कथित भाषा के मूल ध्वनियों व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। कथित भाषा के मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कथित भाषा के मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। तो ये रहा वर्ण की परिभाषा। अब आइए जैसे जैसे हम उदाहरण देखिए अ उ ए आ क ख ग ये सब क्या है हमारे वर्ण है। अब आइए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्णमाला तो अल्फाबेट किसे कहते हैं या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को क्या किया जाता है इकट्ठा कर दिया जाता है उसी को हम उसका एक समूह बन जाता है उस समूह को ही हम क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। अब हमारे प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि वर्णों को कितने वर्गीकरण किया गया वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हैं किस प्रकार से किया गया है हम इसमें विस्तार से चलेंगे। तो पहला है यहाँ हम लिखे हुए हैं कि ये पहले प्रकार का है। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अ से अह तक ये जो होती है इनकी संख्या 13 होती है जिसमें से अंग और अंग को हटा के अयोग में दे दिया गया नाम और अ से जो है अ तक के अक्षरों को वर्णों को क्या नाम दिया गया स्वर नाम दिया गया। तो हमारे प्यारे बच्चों इनकी संख्या जो होती है 11 होती है और इनका नाम जो है स्वर दिया गया है। तो आइए देखते हैं अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये इनकी संख्या है 11 है। अब हम काम करेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें क्या बताया था कि जो अ से अ तक की संख्या होती है वो 13 होती है लेकिन अंक और अंक को हटा के अलग कर दिया गया जिसका नाम दे दिया गया अयोगवा और इनका जो संख्या हो रहा है 11 हो रहा है हम गिन के दिखा रहे हैं इसे हम स्वर कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों इससे हम जाने इसका नाम जाने हम लोग स्वर है। अब आइए आगे चलते हैं को से अंग तक। देखिए को से अंग तक ये 5 है वर्ण जो है क ख ग घ ग इनका जो वर्गीकरण किया गया इनका जो नाम दिया गया उसे कह दिया गया को वर्ग दे दिया गया। इसी प्रकार से हम अगली लाइन को भी देखेंगे च छ ज झ इया ये भी है च वर्ण। इस पहले वाले अक्षर के आधार पर पहले वाले वर्ण के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया इसे नाम दे दिया गया। जैसे हम देखें क वर्ण और दूसरी लाइन हम देखें च वर्ण इसी के आधार पर हम तीसरी लाइन को भी देखेंगे। तीसरी लाइन का है जो ट से शुरू हुआ है इसलिए ट वर्ग उसका नाम दे दिया गया है। इसमें 5 अक्षर होते हैं ट ठ ड ढ ण तो हम क्या कहते हैं ये देखिए तो इसका जो है ट वर्ग नाम दे दिया गया। वहीं देखिए ट ठ ड ध न ट वर्ग दिया है और प प ब घ म ये प वर्ग है। आगे नीचे देखें य र ल घ इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं अंतस्थ व्यंजन क्योंकि जब हम य र ल व का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे अंदर से होकर आती है ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर से वायु आ रही है ध्वनि आ रही है तो इसी कारण इसका नामकरण जो कर दिया गया उसे अंतस्थ व्यंजन कर दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं हम दिया है स श श ह जब इन अक्षरों का जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुंह से जो है गर्म वायु निकलती है इसे ही हम क्या कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये जो चार अक्षर है ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पहले वाली लाइन में बताए थे कि इसमें से दो वर्ण निकाले गए हैं जिसे अयोग वा कहते हैं। वही नीचे आइए देखिए अम और अ इन दो को क्या किया गया अलग किया गया था स्वरों से तो इनका नाम जो दिया गया अयोगवाह कहा गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों वर्णों का जो वर्गीकरण किया ये पहले प्रकार का है। अब आइए हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं। दूसरा प्रकार जो है यहाँ है जिसका नाम कर पहले हम जानेंगे
से जो वर्गीकरण की गई थी उसकी संख्या जो है 9 बताया गया। इसको किस आधार पर किया गया? स्वर वर्ण के आधार पर, व्यंजन वर्ण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नाम का नाम दिया गया। हमारे प्यारे बच्चों पुनः हम लोग देखते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उच्चारण स्थान के आधार पर इसका नामकरण किया गया। अब हम आइए इंग्लिश में चलते हैं विस्तार से। कंठ क्या कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारे वायु होती है वो कंठ से निकलती है, उन्हीं वर्णों को हम क्या किए? कंठ में रख दिए। जैसे अ आ हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से निकलते हैं ये ध्वनि। अब आइए हम देखते हैं कि किसे कहते हैं तालव्य। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और जीवा हमारी ताली को छूती है तो उन वर्णों को हम तालव्य में संख्या के आधार पे रख दिया गया। जैसे च छ ज छ ये सब क्या होते हैं? ये हमारी जीवा जो होती है वो ताली को स्पर्श करती है, इसलिए तालव्य में आते हैं। आइए नीचे देखते हैं मूर्धन्य। ये जो ऐसे वर्ण होते हैं जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा हल्की सी मुड़ी हुई होती है, जिसे मूर्धन्य कहते हैं, उसे ही मूर्धन्य भी कहते हैं। जैसे ट ठ ठ ल, ये सब बोलने में हमारी जीवा जो होती है थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार हमारे बच्चे इसको मूर्धन्य में रख दिया गया। अब आइए देखते हैं दंत। दंत क्या कहते हैं? दंतुष्ट क्या कहते हैं? दंत देखते हैं। ये जो है इसमें जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि करते समय हमारी जीवा जो होती है वो दांतों को स्पर्श करती है, जिसे हम दंत कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं त थ। जब हम बोलते हैं त और थ बोलते हैं तो हमारी जीवा जो होती है वो दांत को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे दंत कहा गया। इसका नाम जो दे दिया गया वो दंत दे दिया गया। आगे आगे देखते हैं, ये है उष्ट। उष्ट क्या कहते हैं? जब हम जिन वर्णों की उच्चारण करते हैं और हमारी जो होंठ स्पर्श होती है, होंठ से स्पर्श होता है, उसे ही उष्ट कहते हैं। उदाहरण के रूप में लेते हैं प। जब हम प करते हैं फ तो हमारा जो है ये होंठ का स्पर्श होता है, इसीलिए उष्ट कहते हैं। जब होंठ स्पर्श करके वो ध्वनि निकलती है उसे ही उष्ट कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आगे देखते हैं नासिक। जिन वर्णों को जिन स्वरों को हम बोलते समय वायु नासिका के द्वारा निकलती है उसे ही हम नासिकी कहते हैं। उदाहरण के रूप में नासिकी में देखिए अ र न अं। जब हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी जो ध्वनि होती है वायु जो होती है नाक के द्वारा निकल रही है और नाक में हम बोल रहे हैं, ऐसे को नासिक के कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कंठ तालव्य किसे कहते हैं। ये कंठ तालव्य ए ए जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ तालु का प्रयोग होता है, उसे ही कंठ तालव्य कहते हैं। आगे देखते हैं कंठोष्ठ। ये क्या होता है? जब हम ओ और औ उच्चारण करते हैं तो ये दोनों का प्रयोग होता है, जिसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों आइए अब हम देखते हैं आखिरी वाले को दंतोष्ठ। दंतोष्ठ माने दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। किसी भी वर्ण को बोलते समय जब दोनों का स्पर्श मिलता है तो वहां पे होता है दंतोष्ठ, यानी दोनों का मिलता है। जैसे वो कर रहा है तो होंठ भी हमारा स्पर्श कर रहा है और दांत भी स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों ये राम हम लोग वर्ण ज्ञान के बारे में जाने। वर्ण ज्ञान किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा देंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण जो है पहले भाग में और दूसरे भाग में किस प्रकार से विभाजित किया गया है, किस आधार पर बांटा गया है, उसे भी हम लोग देख लिए। अब वर्ण के कितने भेद किए गए हैं? तो ये दो भेद हैं स्वर और व्यंजन। आइए हम देखते हैं स्वर और व्यंजन क्या है। यहाँ पे देखते हैं स्वर और व्यंजन, तो इनकी संख्या जैसे कि हम पहले ही बता रहे हैं कि 11 होती है और व्यंजन की संख्या जो होती है 33 होती है। इसमें जो होते हैं अ से औ तक संख्या आती है और इसमें जो है नौ से य तक आती है, जिसमें से निकाल दिया गया उसमें भी कुछ सही निकाल दिए गए हैं जो हम बाद में बताएंगे।
ऐसे जो है ई, ये जो होता है ये स्वर होता है। इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। यहाँ लिखे हैं इनकी संख्या जो होती है 11 होती है। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों ये स्वर हो गया। अब आइए हम देखते हैं इनको किस प्रकार से स्वर के प्रकार जो है उनके बारे में बताएंगे। स्वर के प्रकार, ये स्वर के प्रकार होते हैं वो पहला देखिए उच्चारण के आधार पर। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार से किए गए। उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया। तीन इसके प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और रुद्ध स्वर। आइए हम विस्तार से जानें हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर वह स्वर है जिसमें हम बोलते समय बहुत ही कम समय लगाते हैं, उसे ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कम समय में केवल एक मात्र का समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हम अ, ई, उ बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें हम उदाहरण के रूप में लिखे हैं अ, ई, उ, री। ये जो बोलते हैं वर्ण का उच्चारण हम लोग करते हैं तो बहुत ही अल्प समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, जिसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। आइए दूसरा देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इसके हर्ष स्वर के दूना समय लगने वाले को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, बड़ा ओ, बड़ी ई, ये जो है कहने में थोड़ा सा समय लग रहा है, एक मात्र से अधिक का समय लग रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। आइए देखते हैं फ्लूट स्वर किसे कहते हैं। फ्लूट स्वर जो है इसमें तीन गुने का समय लगता है, तीन गुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय इसमें तीन गुना समय लगता है, उसे ही फ्लूट स्वर कहते हैं। जैसे हम उच्चारण के स्थान पर बोलते हैं ओम, तो जब हम ओम बोलते हैं तो ये तीन गुने का समय लगता है, जैसे शब्द जो होते हैं वो क्या आते हैं? फ्लूट स्वर में आते हैं। अब देखिए इसमें दो उदाहरण दिए हैं ओम, तो ओम बोलते समय ज्यादा समय लग रहा है, इसे भी फ्लूट स्वर कहते हैं। या दूसरा है हे राम, तो हे राम कहने पर संबोधित करके हम राम को पुकारते हैं तो भी तीन गुने का समय लग रहा है। हमारे प्यारे बच्चों इस प्रकार समझा रहे, इसमें बहुत कम समय लगता है, दीर्घ में दूना समय लगता है, फ्लूट स्वर में तीन गुना का समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ और रुद्ध स्वर। तो ये रहा हम जाने कि उच्चारण के आधार पर जो तीन वर्गीकरण किया गया, तीन भागों में बांटा गया, तो तीनों के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब आइए हम जानते हैं अगले बनावट के आधार पर। दूसरा है बनावट के आधार पर ये जो वर्गीकरण किया गया इसे दो प्रकार से किया गया। कौन कौन से हैं इनको देखा जाए? स्वर को जो है बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब देखते हैं मूल स्वर और संघ स्वर। मूल स्वर क्या है? इसमें जो होता है इसमें कोई जोड़ नहीं होता, ये बिना जोड़ के होते हैं, इसी से इनको मूल स्वर कहा गया। जैसे अ है वो अपने मूल अस्तित्व में है, तो इसलिए ये बिना जोड़ के है, तो हम इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का जो है कोई शब्द नहीं होती है, उसे ही हम मूल स्वर कहते हैं। तो आइए पुनः हम एक बार देखते हैं, बिना जोड़ के जो बनते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। उदाहरण के रूप में अ, ई, उ जो यहाँ पर हम देखे थे हर्ष स्वर में, वही मूल स्वर के रूप में भी है बनावट के आधार पर। अब आइए देखते हैं अगला जो है संघ स्वर। इसे कैसे कहते हैं? संघ का मतलब ये होता है जोड़ना। जहाँ पर जोड़ होता है, दो वर्णों का जोड़ मिलता है, वहीं पर संघ स्वर होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो स्वरों के जोड़ से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संघ स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस अ, तो ये क्या होगा? आ हो गया, हम आ उच्चारण देते हैं। तो देखिए ई प्लस ई जो होती है बड़ी हो जाती है, अ प्लस ई ए हो जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ संघ होती है, जहाँ दो वर्णों का जोड़ मिलता है, वहीं पर ये होता है स्वर संघ। इस व्यंजन को देखेंगे, पहले दूसरे भाग में स्वर को देखे थे, अब आइए हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। लेकिन व्यंजन को जानने से पहले हम थोड़ा सा अयोग भाग चलेंगे। ये क्या होता है अयोग भाग? जैसा कि पहले भाग में हम बताए थे, चर्चा किए थे, लेकिन कुछ विस्तार से हम बताना चाहते हैं। अयोग भाग यहाँ लिखा हुआ है अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ये जिन चिन्हों
ऑप्शन निकाल लिया जाता है अम और अ, जिससे कि 13 की संख्या जो होती है 11 में बदल जाती है और वो दो संख्या जो होती है अयो वा में आती है। तो हमारे प्यारे बच्चों आइए देखिए, एक इसमें अनुनासिक की ओर बढ़ गया है जिसे 3 हो गई इसकी संख्या और इसे अयो वा कहा गया। अब हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग जो कैसे होता है। अयो वा का जो है अनुनासिक, पहला देखेंगे अनुनासिक, इसके उच्चारण में हवा जो है नाक तथा मुख दोनों से निकलती है उसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं चांद, तो हवा जो है हमारे नाक और मुख दोनों से निकल रही है तो उच्चारण के समय तो उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम चांद का उच्चारण कर रहे हैं तो वायु जो होती है वो दोनों रास्ते से निकल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनुनासिक। आइए देखते हैं अनुस्वार। यह अनुस्वार जो होती है ये कहते हैं अनुस्वार जो होती है ये जो होता है मुख्यतः मुख्य रूप से जो होता है वो ऊपर किसी भी अक्षर के ऊपर के बिंदु को कहते हैं अनुस्वार। जहाँ पे हम किसी भी वर्ण को लिखते हैं और बिंदु ऊपर लगाते हैं उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे चंचल, गंगा, इस प्रकार का गंदा वर्ण जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। अब आइए देखते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है ये किसी भी वर्ण के पाद में जो होता है डबल बिंदु का प्रयोग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। जैसा यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में लिखे हैं, उदाहरण भी लिखे हैं पुनः, जैसे दुख भी लिखते हैं तो बीच में बिंदु लगाते हैं वो भी अनुस्वार ही आ जाएगा। अंततः, पुनः, दुख, अतः, इसी प्रकार के जो हम शब्द लिखते हैं जो उच्चारण करते हैं तो वहां पे विसर्ग आ गया। तो हमारे प्यारे बच्चों ये तो हम स्वर के भाग थे जिनको हम देख लिए हैं। अब हम आएंगे व्यंजन पे। व्यंजन को जाने व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो व्यंजन होते हैं वो सदैव ही स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर से नहीं बोला जाता, हमेशा सदैव जो होता है व्यंजन के साथ जो है स्वर जुड़ा होता है, इसी को हम व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर परिभाषा इसकी लिखी हुई है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे ही व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हम बताया है कि बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो बात एक ही हुई, इनकी संख्या जो होती है 33 होती है, जो व्यंजन की संख्या होती है वो 33 होती है। अब आइए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार देखते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इनको 3 भागों में बांट दिया गया और वो किस प्रकार से बांटा गया, किस प्रकार से, किस आधार पर उसे लिया गया उसको हम जानेंगे। जिस वर्णों के बोलने में वायु किसी उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती है, करती हुई बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब वायु होती है जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, इन वर्णों को जो इन में आते हैं वर्ण उनको हम जब उच्चारण करते हैं तो वो स्पर्श करते हुए आती है उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इधर भी हम देख लेते हैं, जैसे पहले भाग में बताए थे कौवर, चवर, तवर, तवर और पवर, ये भी जो होती है जो इनके बीच की संख्याएं आती हैं वर्ण आते हैं वो जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन में होते हैं। उदाहरण के रूप में देते हैं क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ, म। इतने जो अक्षर हैं इनकी संख्या जो होती है 25 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है। तो हमारे प्यारे बच्चे इनकी संख्या जो होती है ये 25 होती है। अब आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु होती है अंदर से निकलती है वहां पे अंतस्थ व्यंजन आता है। इस प्रकार से हम कहते हैं जो व्यंजन स्वरूप तथा व्यंजनों के माध्यम की स्थिति में आते हैं उसे ही अंतस्थ व्यंजन करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो ये अंदर से वायु निकलती है इसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो होता है य, र, ल,
में हम देखते हैं श श ऐसे हम बता देते हैं, ये बड़ा श श स ह। जब ये वर्णों का हम बोलते हैं तो वायु होती है वो गर्म वायु बनती है जिसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों हम इनको जाने, व्यंजन क्या है, व्यंजन के प्रकार कितने हैं, तीनों के बारे में जाने। अब आइए थोड़ा हम खुद चलते हैं, अन्य व्यंजन क्या है, अन्य व्यंजन के बारे में जाने। ये एक संयुक्त व्यंजन होता है और द्वित्व व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार संख्याएं होती हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं गौ से घ तक के चार अक्षरों को, चार वर्णों को जो है संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिसमें से है देखिए यहाँ देखिए स्र य छ त्र, ये चार अक्षर जो होते हैं इनका नाम दे दिया गया संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर भी कहते हैं और संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो ये क्यों इसे संयुक्ताक्षर कहा गया इसे हम जानेंगे। तो संयुक्ताक्षर इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए श प्लस र ये स आधा है, इस तरह से अनंत का मतलब हो जाता है, इसका उच्चारण जो होता है कम होता है, इसलिए श र मिल के जो बने हैं वो स्र बन गए। अगला देखिए ज प्लस ज्ञान, तो क्या हो गया ज्ञानी, जो हम ज्ञानी पढ़ते हैं वो कैसे बना है, ज और ज्ञा से दोनों मिलके ही वो वर्ण पूरा हुआ है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे छत्री जो है उसे भी क आधा क और श जो वाला स जो है वो दोनों का मिला हुआ रूप है जिसे छ कहते हैं, छत्री वाला छ। आइए देखते हैं त और र, जिसको दोनों के मिलने से हो गया त्र। तो इस प्रकार से स्र य छ और त्र ये जो है ये क्या होता है संयुक्ताक्षर होते हैं, यही संयुक्ताक्षर होते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों अब आइए हम लोग जानेंगे द्वित्व व्यंजन।